Hey guys, welcome to our channel, the physics coaching. हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स ये सिक्स क्लास है. आज हम पिछली पांच क्लासों में जो पढ़े हैं उन पे क्वेश्चंस करेंगे. तो आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं किस में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, और या आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मैं डेली क्वेश्चंस ऑफ द डे डालता हूँ, तो उनका आंसर आप ज़रूर करें. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हेन लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोन इलेक्ट्रॉन इज 3.2 वोल्ट. इफ ए सेकेंड लाइट सोर्स हुज वेवलेंथ इज डबल टू द फर्स्ट इज यूज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.8 वोल्ट. फ्रॉम दीज डाटा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट रेडिएशन. हमने को क्या दिया है, जो सेकंड है गिवन, सेकंड क्या है, जो वेवलेंथ है वो फर्स्ट की डबल है. स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फर्स्ट सोर्स क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई लेमडा वन माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई. ओके, एंड फॉर द सेकंड सोर्स एच सी अपॉन ई लेमडा टू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई. ठीक, अब क्या करेंगे, वर्क फंक्शन क्या ड्रॉप होता है, कितना, 0.8. तो वही अपन लिखेंगे यहां पे. वी एस वन माइनस वी एस टू इक्वल टू एच सी अपॉन ई वन अपॉन लेमडा वन माइनस वन अपॉन लेमडा टू इक्वल टू एच सी अपॉन ई लेमडा वन वन माइनस वन बाई टू. तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अब वैल्यू रख देंगे लेमडा वन. तो यहाँ से लेमडा वन अपने को, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अपने को सारा डाटा दिया हुआ, एच का अपने को पता है, ये रहा एच का वैल्यू, सी का वैल्यू सबको पता है, ई का वैल्यू सबको पता है, लेमडा की वैल्यू अपने को, ये वी एस वन माइनस वी एस टू अपने को गिवन है, तो लेमडा वन इससे आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, द कॉम्प्टन इफ वेवलेंथ शिफ्ट इज ऑब्जर्व टू बी ट्रिपल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड इफ द फोटोन स्कैटर्ड एट 60 डिग्री देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन. अब अपने को क्या दिया, डेल्टा लेमडा अपने को पता है क्या है, एच कट अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी वन माइनस कोस थीटा. अपने को डेल्टा लेमडा दिया है क्या, थ्री टाइम्स ऑफ इंसिडेंट लेमडा. तो थ्री टाइम्स ऑफ इंसिडेंट लेमडा इक्वल टू एच कट अपॉन एम ई सी वन माइनस कोस 60, क्यों थीटा अपने को दिया हुआ. तो व्हेन वी कैलकुलेट, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा 4.04 इंटू 10 टू पर माइनस 13 मीटर. तो हेंस अपना क्या आंसर, कौन सा करेक्ट सही है, अपने को डी आंसर क्या है, करेक्ट है. गिवन, अगला क्वेश्चन, गिवन ए वेव विथ द डिस्प्लेसन रिलैक्सेशन ओमेगा इक्वल टू सी के अपॉन सी के प्लस एम फॉर के इज ग्रेटर देन 0 एम इज ग्रेटर देन, विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो अपने को पता है कि वी पी क्या होता है, फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन के. तो हम फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें, सी प्लस एम अपॉन के. ओके, वैल्यू रख दी अपन ने. ग्रुप वेलोसिटी क्या आती है, डी ओमेगा अपॉन डी के.
तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो किसके इक्वल है ये सी के, तो वीपी क्या हो गया, वीपी हो गया वीजी प्लस एम अपॉन के। तो इससे हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वीपी बड़ा है किससे, वीजी से। तो अपना ऑप्शन क्या है, सी क्या है, करेक्ट है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 10^-10 meter। तो अपने को पता है कि लैम्डा, डी ब्रोगली की जब बात करें तो हम लैम्डा निकालते हैं इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150/E इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 150/E एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। अब ई आप अपने को एनर्जी निकालनी है, तो अपन वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखने से 10^-10^2 इक्वल टू 150/E 10^-10^2, ये कैंसिल हो गए, तो ई क्या बचा, 150 इलेक्ट्रो वोल्ट। हेंस डी ऑफ ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज कंटेन्ड विद इन ए स्फेरिकल रीजन ऑफ ए कन्फाइंड विद इन ए स्फेरिकल रीजन ऑफ ए रेडियस आर मोमेंटम पी इफ वैल्यू ऑफ पी इज 200 MeV/c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर अप्रोक्सीमेट। हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच कट, ऑलमोस्ट इक्वल टू एच कट। तो डेल्टा एक्स क्या हो, एच कट अपॉन डेल्टा पी, तो ये क्या है, डेल्टा एच कट 1.05 × 10^-34 इंटू दिस वैल्यू सी, डेल्टा पी इक्वल टू दिस, ये अपने को दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोवोल्ट, ये 200 और ये सी। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, बस जब इसको सॉल्व करें तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 10^-15 meter। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यू फॉर हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मास एम इज इन वन डायमेंशन पोटेंशियल वी एक्स इज गिवन बाई साई एक्स इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वेयर ए इज एंड बी आर कॉन्स्टेंट। फाउंड दैट वी की वैल्यू अपने को निकालने की किसके प्रोपोर्शनल है। तो जब भी हमें एनर्जी या फिर पोटेंशियल की बात की जाए तो हम किस से डील करते हैं, किसी भी वेव फंक्शन को, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। ओके, अब साई का डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आया, ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, माइनस एक्स कट स्क्वायर अपॉन टू एम ब्रैकेट डेल अपॉन डेल डी अपॉन डी एक्स, ए फर्स्ट डेरिवेशन फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वी साई एक्स प्लस ई साई एक्स। ओके, आगे चलें। सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम, ये तो कांस्टेंट है ही, सेकेंड डेरिवेटिव इज दिस वन ए टू पर माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी साई एक्स ई साई एक्स। तो दिस एंड दिस, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज साई। तो ये हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, एच कट स्क्वायर बी अपॉन टू एम इक्वल टू
सॉरी इन ब्रैकेट 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एच कट स्क्वायर बी बाई 2m साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक, तो हम दोनों साइड को क्या करें, कंपेयर करें, ये तो कैंसिल हो गए, तो ई दोनों साइडों को जब कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स डॉट 2m अपॉन एच कट बी इक्वल टू 1, तो साई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स स्क्वायर के, हेंस क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, अगर कोई पार्टिकल हमको इस साई वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो चलो निकालते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी का स्क्वायर, ये अपना क्या है, डेल्टा पी है। अब डेल्टा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट साई स्टार पी साई डी एक्स, जैसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो साई स्टार क्या है, ये एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, अब आप इसको निकाल भी सकते हो, जो कांस्टेंट है उसका तो क्या करेंगे, स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है माइनस आइटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। तो जब हम इसका ये वैल्यू साई के साथ जुड़ेगी तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये आएगा अपने पास, तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स, जो कि इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, जीरो। अब बात करते हैं हम पी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू माइनस आइटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके सेम प्रोसेस रखेंगे, तो सेम प्रोसेस रख के देखते हैं क्या आता है। तो चलें आगे चलते हैं, तो जब हम माइनस वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट बाहर क्या आता है, अपने पास कांस्टेंट बाहर आता है माइनस एच कट स्क्वायर 15 अपॉन 16 ए टू पावर 5 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू ए टू माइनस टू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है अपना बाहर, इंटीग्रेशन करने पे अपने पास ये आया, तो जब हम लिमिट्स रखेंगे माइनस ए टू प्लस ए तो हमारे पास आएगा 5 बाई टू एच कट अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जब हम डेल्टा पी निकालेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू स्मीकर नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी टू होल स्क्वायर, तो ये तो क्या है, जीरो है, और ये इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, इसकी वैल्यू ये है, तो इसका अनरूट करेंगे, अनरूट करने का क्या आएगा, अनरूट ऑफ 5 बाई 2 एच कट ए, तो ये अपना क्या है, आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द वेव फंक्शन साई आर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन थ्री डायमेंशन स्पेस हैज फिजिकल डायमेंशन ऑफ, कि जो साई जो वेव फंक्शन है उसका थ्री डायमेंशन में फिजिकल डायमेंशन क्या है, तो फिजिकल डायमेंशन होती है 1 अपॉन डिस्टेंस टू पावर n अपॉन 2, n क्या है 3, तो डायमेंशंस क्या हो गई, लेंथ टू पावर माइनस 3 बाई 2। और 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन है ये रहा,
इसमें क्या द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर क्वांटम सिस्टम इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, कि जो लीनियर इक्वेशन है किसकी, श्रोडिंगर की इक्वेशन है, वो किस तरह की है, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम एंड फर्स्ट ऑर्डर इन स्पेस है, क्या वो फर्स्ट ऑर्डर इन स्पेस या सेकंड ऑर्डर इन टाइम है, या फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम एंड सेकंड ऑर्डर इन स्पेस है, या सेकंड ऑर्डर इन स्पेस सेकंड ऑर्डर इन टाइम है। तो देखते हैं, देखो ये क्या है, ये पूरी श्रोडिंगर की इक्वेशन, इसमें पहला स्टेप क्या है, सेकंड ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर इन पोजीशन dx क्या है, x क्या है पोजीशन, तो ये है सेकंड ऑर्डर इन पोजीशन। और एनर्जी क्या होती है, माइनस एनर्जी होती है आइटा एसगट डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, तो ढूंढो कहीं फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम एंड सेकंड ऑर्डर इन स्पेस, तो ये अपना सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ऑफ डीप वाटर वेव वेरी और इज द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, दैट इज ओमेगा लैम्डा एक प्रोपोर्शनल टू 1/√ ऑफ लैम्डा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बिटवीन इट्स ग्रुप वेलोसिटी वीजी एंड फेज वेलोसिटी, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना, ठीक। तो ओमेगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टू पावर -1/2, के क्या होता है 2π/λ, तो अंडर रूट ऑफ के क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के प्रोपोर्शनल टू 1/√k, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के, ठीक है। तो ओमेगा लैम्डा इज टू सी के टू अंडर रूट, ओके। अब वी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन के, तो वी पी इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट के, और फेज वेलोसिटी सॉरी ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी के इक्वल टू 1/2π सी अपॉन अंडर रूट के, दैट इज 1/2p, तो वी जी इक्वल टू 1/2 vp, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम, और वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।